मिर्जापुर के बबलू पंडित, ट्वेल्थ फेल के मनोज कुमार शर्मा अब पॉलिटिकल थ्रिलर में आपको नजर आने वाले हैं। यस, विक्रांत मेसी ट्वेल्थ फेल की सक्सेस के बाद एकता कपूर के प्रोजेक्ट दी साबरमती रिपोर्ट में जल्द ही दिखाई देने वाले हैं। वेल, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट की डेट्स भी अनाउंस कर दी है। दी साबरमती प्रोजेक्ट में विक्रांत मेसी के साथ यू आर गोइंग टू सी राशि खन्ना एंड रिद्धि डोगरा इन मेजर रोल्स। फिल्म डायरेक्ट की है रंजन चंदेल ने। ये प्रोजेक्ट 27 फरवरी 2002 की सुबह भारत के गुजरात स्टेट में गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में हुई भयानक इंसिडेंट पर बेस्ड है। एकता कपूर का काम देखें तो ये प्रोजेक्ट उनका एक काफी अलग प्रोजेक्ट होने वाला है, पॉलिटिकल थ्रिलर दैट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट। वेल, विक्रांत मेसी की बात करें तो विधू विनोद चोपड़ा की डायरेक्शन में बनी ट्वेल्थ फेल के सुपरहिट होने के बाद साबरमती रिपोर्ट में विक्रांत को देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं। इसमें उनके साथ आपको राशि खन्ना भी दिखाई देंगी, जिन्होंने फर्जी में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से काफी अप्रिसिएशन बटोरी है, और रिद्धि डोगरा, जिन्होंने पिछले साल की दो ब्लॉकबस्टर फिल्में टाइगर 3 और जवान में काम किया है। वहीं दी साबरमती प्रोजेक्ट की बात करें तो दी साबरमती प्रोजेक्ट 3 मई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। देखना होगा इसकी कितनी हाइप बनती है, इसका प्रमोशन किस तरीके से किया जाता है और इसे देखने के लिए ऑडियंस कितनी एक्साइटेड दिखती है। तब तक के लिए देखते रहिए ईएनटी लाइव और बाकी सब एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग अस।